मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई जाजगीर वालों की आवाज को क्या हो गया? इतने सारे युवा हैं, ऐसी आवाज लगेगी क्या? दोनों हाथ उठाइए। 11 की 11 सीट जीतने का संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, कल ही जिनका जन्मदिन गया है, ऐसे श्रीमान विष्णुदेव साई जी, हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी यहां पर आए हुए, जांजगीर के सांसद महोदय घूराम जी, श्री राजेश मूणत जी, निर्मल सिन्हा जी, और आज इतनी बड़ी सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मैं पूज्य बाबा गुरु घासीराम जी की पावन धरती पर उनको प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, समय नहीं बचा है, थोड़े लेट हो गए हैं, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। परंतु मैं आज यहां छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तैयारी के लिए विजय संकल्प सम्मेलन में आया हूं। मित्रों, आने वाला चुनाव ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव, आने वाले चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में आए, 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा को दी। 19 में आए, 11 में से 9 सीटें भाजपा को दी, और अभी अभी विधानसभा चुनाव में आए तो आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक नकारा सरकार जिन्होंने ना नक्सलवाद पर लगाम कसी, न छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया, और लाखों करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम, उसको भी आपने हटा दिया। और फिर से एक बार विष्णुदेव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम छत्तीसगढ़ वालों ने किया है। विशेषकर मेरी माताओं बहनों को मैं विशेष प्रणाम करकर आभार कहना चाहता। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार 10 साल चली, मोदी सरकार ने 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। इस 10 साल में मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में नल से जल देने का काम किया। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 38 लाख से ज्यादा घरों में पीने का पानी आजादी के 75 साल बाद पहली बार पहुंचा है। देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का आयुष्य उपचार का पूरा
खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और मेरे छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ भाइयों बहनों को इसका फायदा मिल रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, उसमें से 38 लाख शौचालय मेरे छत्तीसगढ़ में बने। 75 साल के बाद बहनों को शौचालय की सुविधा मिली। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में मिलता है। मोदी जी ने गरीब का चूल्हा जलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 36 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 10 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया और पूरे छत्तीसगढ़ में सभी लोग बताओ भाई, कोरोना के टीके सबके लगे हैं या नहीं लगे हैं? अरे जोर से बोलो, लगे या नहीं लगे? 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका देकर भारत और छत्तीसगढ़ को कोरोना से मुक्त बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को आगे ले जाने का काम किया। हमारा देश दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है। भाइयों बहनों, मोदी गारंटी है, एक बार मोदी जी को फिर से ला दो, हम दुनिया के 3रे नंबर की आर्थिक ताकत बन जाएं। मोदी जी ने चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, उसका सम्मान करने का काम किया। 75 साल के बाद पहली बार किसी गरीब आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाकर द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओबीसी को पहली बार संवैधानिक मान्यता दी, 27% आरक्षण दिया, ओबीसी आयोग का गठन किया और ये सारी योजनाएं जो मैंने बोली है वो सारी योजनाओं को ओबीसी समाज, आदिवासी समाज और दलित समाज के लिए लागू करने का काम नरेंद्र भाई ने। और इसके साथ साथ आज भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया में 3री बड़ी ताकत भारत बन गया। ये भारत को सम्मान हासिल हुआ। G20 के माध्यम से हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया और इसके साथ साथ मोदी जी ने देश को सुरक्षित भी किया। माताओं, भाइयों, बहनों, कश्मीर के अंदर धारा 370 का नासूर सालों से परेशान करता था, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम। इसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को दंडित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, मैं तो आज राम के नैनीहाल में आया हूं। ये नाम का नैनीहाल है, 550 साल से राम लल्ला अपने घर में नहीं विराजमान हो पाते थे, मंदिर नहीं बनता। कांग्रेस ने 550 साल से लटके हुए मसले को 75 साल से समाप्त नहीं हो दिया। मोदी जी ने 22 जनवरी को
रामलला के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर ये काम भी किया। भाई और बहनों, विष्णु देव जी की सरकार अभी अभी बनी है। हमारे गुजरात में कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने से ही मालूम पड़ते हैं। 2 महीने में लगभग 30% मोदी गारंटी को विष्णु देव जी ने समाप्त। चाहे धान का बोनस देना हो, चाहे अगले महीने महतारियों को प्रणाम करने के लिए हर महीना 1,000 रुपया भेजना हो, हर वादे को विष्णु देव साई जी की सरकार पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाकर चाहता हूं, जो वादा मोदी जी ने किया है वो पत्थर पर की लकीर है। मोदी गारंटी, हर मोदी गारंटी पूरी होगी। भाई और बहनों, ज्यादा समय नहीं है, मुझे तुरंत ही निकलना पड़ेगा, परंतु मैं भी पक्का आदमी हूं, कच्चा आदमी नहीं हूं। इतने दूर से आया हूं तो वादा लेकर भी ही जाऊंगा। मुझे बताओ भाई, छत्तीसगढ़ में एक बार 1 कम कर दिए, एक बार 2 कम कर दिए, इस बार सभी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दोगे क्या? जोर से बोलो, दोगे क्या? सभी सीटों पर कमल खिलाओगे क्या? मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे क्या? मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प धोइए और 11 की 11 सीटों के लिए भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उन्होंने खुद लोगों से पूछा, विजय संकल्प शंखनाद रैली इस बड़े आयोजन में, इससे पहले हालांकि बैठकों के सिलसिले चले हैं, वो कोंडागांव गए हुए थे, और अब उन्होंने पब्लिक से ही पूछा, योजनाओं का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीट जीतने का दावा किया। आने वाला चुनाव देश के भविष्य को बनाने वाला चुनाव है, 10 लाख लोगों को पीएम आवास मिले, ये तमाम चीजें उन्होंने गिनाई। आज छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है और ये